मणिपुर के हालातों पर क्यों छलका एक्स आर्मी चीफ का दर्द, लीबिया से की मणिपुर की तुलना। पिछले लगभग 1.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, हालात हर रोज काबू से बाहर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि खामोशी की चादर आराम से ओढ़कर सोई हुई है, जिसका नतीजा यह है कि भले ही सरकार सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही हो, लेकिन बीते रोज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया गया, वो इन तमाम दावों को कहीं ना कहीं धता बता रहे हैं। लेकिन अब मणिपुर के हालातों को लेकर पूर्व आर्मी चीफ जनरल वेद प्रकाश मलिक ने सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करने की कोशिश की है। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ ने मणिपुर में रहने वाले एक पूर्व सैन्य अधिकारी के ट्वीट की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया है। उन्होंने मणिपुर की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उच्च स्तर पर तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया है। दरअसल आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह ने मणिपुर की स्थिति को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा, मैं मणिपुर का एक साधारण नागरिक हूं जो रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी जी रहा हूं। राज्य अब स्टेटलेस है, जीवन और संपत्ति को किसी भी समय कोई भी खत्म कर सकता है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया में हो रहा है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को उसके अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? निशिकांत सिंह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए आर्मी चीफ ने लिखा, मणिपुर के एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल का एक असाधारण दुखद कॉल। मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर उच्चतम स्तर पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। गौर हो कि मणिपुर का इलाका करीब 90% पहाड़ी और 10% घाटी का क्षेत्र है। प्रमुख रूप से मणिपुर में 3 समुदाय हैं, मैतेई, नागा और कुकी। कुकी और नागा आदिवासी समुदाय हैं, वहीं मैतेई आदिवासी नहीं है। मैतेई समुदाय करीब 53% है, वहीं नागा और कुकी मिलाकर 40% है। इन तीनों के सिवा यहाँ मुस्लिम आबादी भी है। गैर आदिवासी समुदाय मयांग भी यहाँ रहते हैं। ये लोग देश के अलग अलग भाग से मणिपुर में आकर बसे हैं। बता दें कि मणिपुर हिंसा के पीछे का कारण जमीन पर कब्जे की जंग को माना जा रहा है। गैर आदिवासी समुदाय होने की वजह से 53% मैतेई समुदाय राज्य के 10% घाटी के क्षेत्र में सीमित है। वहीं 90% एरिया जो पहाड़ी है, उसमें राज्य का 40% नागा और कुकी समुदाय रहता है। इतना ही नहीं, नागा और कुकी चाहे तो घाटी में जाकर बस सकते हैं, लेकिन गैर आदिवासी होने की वजह से मैतेई पहाड़ों पर नहीं रह सकते। नागा और कुकी आदिवासी हैं और इसीलिए उनके लिए कुछ प्रावधान अलग से हैं। यही वजह है कि नागा और कुकी मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। मैतेई समुदाय का मानना है कि ये सिर्फ शिक्षा या नौकरी में आरक्षण का मुद्दा नहीं है, ये पहचान और संस्कृति का मुद्दा है। दरअसल हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर विचार करने की चर्चा जोर पकड़ने लगी, तो इसके विरोध में आदिवासी एकता मार्च निकाला गया, जिसमें हिंसा भड़क गई और अब तक यही हिंसा जारी है। हालांकि सरकार सब कुछ ठीक होने का दावा कर चुकी है, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं, वो यहां के हालात बयां कर रही हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।